कनाडा वीजा प्रोसेसिंग टाइम, आज एक जो वीजा है हमारे साथ वो आपके साथ लाइव पीपीआर शेयर करने जा रहा हूँ। सोमे बादू का वीजा है, कंग्रेचुलेशन टू सोमे। ठीक है, सो इनकी एप्लीकेशन हमने कब लगाई, 15 दिसंबर को लगाई थी, 17 जनवरी को इनका वीजा है। मेडिकल कब अपडेट हुआ, आज ही मेडिकल अपडेट हुआ है। सो बच्चों के बहुत सारे कंसर्न होते हैं, पहले मैं आपको सारी बात बताना चाहूंगा। जो मेन चीज है, आपने क्या करना है, अपनी टाइम लाइन है, जो आपकी एप्लीकेशन कब सबमिटेड है आपने अपनी कमेंट सेक्शन में लिखनी है। सबसे पहली बात तो ये है, कमेंट सेक्शन में बहुत ही हेल्पफुल होगी अनदर बच्चों के लिए भी और आपके लिए भी। सो पता लगेगा कि आप कौन सी क्यू में। करंटली रिजल्ट किन के आ रहे हैं, करंटली रिजल्ट उनके आ रहे हैं जो एप्लीकेशन सबमिट हुई थी 10 दिसंबर से लेके 20 दिसंबर के बिटवीन। करंटली बर-बर के रिजल्ट्स उनके आ रहे हैं। सो आफ्टर जो 20 दिसंबर के एप्लीकेशंस लगी थी उनका रिजल्ट नहीं देखने को मिल रहा है। कुछ यूनिक एप्लीकेशंस हैं जिनका आ जाता है, बट बर-बर के रिजल्ट्स इन्हीं डेट्स का आ रहा है। देखो जो प्रोसेसिंग टाइम करंटली चल रहा है वो कितना टाइम है, 1 महीना 2 दिन 3 दिन। ठीक है, जो करंटली है आज से 10-15 दिन पहले क्या था, 25 दिन में रिजल्ट आ रहा था। बट अब ये डिले है जो ज्यादा होता जा रहा है, क्यों हो रहा है अगर हम देखेंगे 20 दिसंबर के बाद की बात करेंगे, क्योंकि उस टाइम एप्लीकेशंस बहुत ज्यादा तादाद में सबमिटेड हुई थी, क्योंकि जीआईजी वाला आपको सबको पता है। सो आपने क्या करना है, आपने क्या करना है, सबसे पहले तो अपनी टाइमलाइन है जो कमेंट सेक्शन में लिखनी है और हमारा चैनल सब्सक्राइब करना है। जैसे ही आप सब्सक्राइब करोगे आपको बहुत ही सारी ऑथेंटिक इंफॉर्मेशन इस चैनल पे मिल जाएंगी, आपको डेली भी रेगुलरली वीडियोस अपडेटेड मिलती रहेंगी। प्रोसेसिंग टाइम हो गया, वीजा ट्रेंड हो गया, इसी रिगार्डिंग। ठीक है जी, सो मेन चीज है कि करंटली इतना टाइम लग रहा है। सो आपने 1 महीना 5 दिन 6 दिन वेट करनी है, उसके बाद आपका वीजा आ जाएगा। ट्रेंड नो डाउट जी, जैसे इनकी रिफ्यूजल थी, चाहे आपकी भी 2 रिफ्यूजल है 3 रिफ्यूजल है 4 रिफ्यूजल है, डोंट वरी। अगर आप हमसे केस करवाते तो हम आपसे 1 भी रुपया पहले नहीं लेंगे। बेसिक फीस जीआईसी हो गया, आपका कॉलेज फीस होगी, वो सारे खर्चे हम पे होंगे, हम आपका पे करके जब आपका वीजा आ गया तब आपने हमें पैसे दे दिया। इन केस अगर आप हमसे आपकी एप्लीकेशन रिफ्यूज होती है देन वी विल पे यू 30,000। ठीक है जी, सो ये हमारा चैलेंज है जी, क्योंकि वी हैव अ ट्रस्ट ऑन अवर वर्क। ठीक है जी, करंटली ट्रेंड भी अच्छा है जी, सो बाकी काम करने का हमारा नतीजा भी अच्छा है जी। हम बहुत ही अच्छे तरीके से फाइल लगाते हैं, ईच एप्लीकेशन है जो मैं करता हूँ, ऐसा नहीं कि कोई स्टाफ के द्वारा वो रेडी की जाएगी, ईच एप्लीकेशन मेरे द्वारा रेडी की जाती है, मेरे द्वारा ही सबमिट की जाती है। सो आपको इसमें अगर हम हमारे से एप्लीकेशन तो आपको ऐसी कोई दिक्कत देखने को मिलेगी नहीं। सो इस वीडियो में इतना ही। सो फॉर मोर इन्फॉर्मेशन आप हमारे स्टाफ के साथ कॉन्टेक्ट भी कर सकते हैं, नीचे कमेंट सेक्शन में लिखो, मैं आपके साथ रहूंगा, वहां पे भी हम वार्तालाप जो करते रहेंगे एक दूसरे से। सो इस वीडियो में इतना ही, नमस्कार, सत श्री अकाल।